नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 8 जनवरी। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। अभी ठंड से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। बिहार समेत पूरे उत्तर भारत में अभी ठंड से निजात मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। ऐसा हम नहीं, मौसम विभाग का पूर्वानुमान कह रहा है। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के कारण आने वाले कुछ दिनों तक बिहार में कोहरे का असर साफ देखने को मिलेगा, जिसकी झलक कल से यानी कि बीते मंगलवार से ही देखी जा सकती थी। इतना ही नहीं, 9 जनवरी को बिहार के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश होने की भी संभावनाएं जताई जा रही है, जिसके पश्चात लोगों को ठंड का एहसास और ज्यादा होगा। आज किसान संगठन करेगी ग्रामीण भारत बंद। केंद्रीय श्रम संसाधन और केंद्रीय किसान संगठन ने आज ग्रामीण भारत बंद करने का आह्वान किया है, जिसका समर्थन रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा भी करेंगे, जिसकी जानकारी रालोसपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता अभिषेक झा ने दी है। ग्रामीण भारत बंद करने के पीछे के कारण को जाने तो केंद्रीय श्रम संगठन और केंद्रीय किसान संगठन ने यह फैसला केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए प्रत्येक श्रम विरोधी और किसान विरोधी विधेयकों को ध्यान में रखकर लिया है। रेलवे ने सभी मैट्रिक और इंटर पास अभ्यर्थियों के लिए निकाले रिक्तियां। भारतीय रेल में नौकरी की इच्छा रखने वाले सभी मैट्रिक और इंटर परीक्षार्थियों के लिए अहम सूचना। भारतीय रेलवे बेरोजगारी से गुजर रहे युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर प्रदान कर रहा है, जिसके तहत रेलवे विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार लगभग 1 लाख से ज्यादा पदों के लिए 7 जनवरी से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, इन पदों के लिए आवेदन भरने की आखिरी तारीख 6 फरवरी 2020 है। बिहार में 299 असैनिक न्यायाधीशों की जल्द की जाएगी नियुक्ति। बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा देने वालों के लिए अहम सूचना। बिहार सरकार ने बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर जल्द ही 299 असैनिक न्यायाधीशों की नियुक्ति करवाने का आदेश जारी किया है, जिसके पश्चात सामान्य प्रशासन विभाग ने इन सभी 299 असैनिक न्यायाधीशों की नियुक्ति के तहत अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार के किसानों को निर्धारित यंत्रों पर मिलेगा 75% सब्सिडी। बिहार के सभी किसानों के लिए खुशखबरी। बिहार सरकार ने सभी किसानों को बुआई और निकौनी से जुड़े नए यंत्रों के लिए 75% अनुदान देने का निर्देश जारी किया है, जिसके तहत कृषि विभाग ने सभी किसानों के लिए 5 नए अनुदान प्राप्त यंत्रों को इस सूची में शामिल किया है, जिसमें सीड ड्रिल पर अब 80% अनुदान की राशि मिलेगी, जबकि बाकी 4 बचे उपकरणों पर 75% की अनुदान राशि मुहैया करवाई जाएगी। इस साल इन सरकारी नौकरियों के लिए होंगी परीक्षाएं। इस साल सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना। इस साल के विभिन्न सरकारी नौकरी के लिए परीक्षाओं का आयोजन जनवरी से लेकर दिसंबर महीने तक किया गया है। बैंकों में नौकरी की इच्छा रखने वालों के लिए इस साल SBI, RBI, IBPS, कैनरा बैंक के लिए जनवरी के दूसरे हफ्ते तक उम्मीदवार आवेदन भर सकते हैं। वहीं फरवरी के पहले हफ्ते में इसकी परीक्षा ली जाएगी। इसके अलावा SSC की परीक्षा का आयोजन 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में लिया जाएगा। वहीं UPSC की प्रिलिमिनरी परीक्षा का आयोजन 31 मई को लिया जाएगा। बिहार के सभी शिक्षकों के वेतनमान के लिए पटना हाई कोर्ट ने जारी किया आदेश। बिहार के सभी शिक्षकों के लिए खुशखबरी। वेतनमान से रहित सभी शिक्षकों के लिए पटना हाई कोर्ट ने एक अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश जारी करते हुए यह आदेश सुनाया है कि प्रशिक्षण खत्म होते ही उसी दिन से सभी प्रशिक्षित शिक्षकों को वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। ऐसा नहीं करने पर हाईकोर्ट निर्धारित विभागीय अधिकारी के खिलाफ सख्ती से पेश आएगी। आज सभी बैंकों और ATM का काम रहेगा बंद। सभी आम नागरिकों के लिए अहम सूचना। आज पूरे प्रदेश में बैंक की सेवाएं बाधित रहेंगी, क्योंकि विभिन्न बैंकों के बैंक कर्मी आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सड़क पर उतरने वाले हैं, जिसके कारण राज्य के व्यावसायिक, ग्रामीण और सहकारिता बैंक के 7800 शाखाएं बंद रहेंगी। बैंकों के बंद रहने की खबर पर बिहार प्रोविंशियल बैंक के महासचिव अरविंद कुमार ने कहा है कि बंद के आह्वान के 5 संगठन शामिल है। CBI, AIBOA, BEFI, INBEF का नाम शामिल है। इन सभी शाखाओं के अधिकारी सरकार से न्यूनतम मजदूरी, न्यूनतम पेंशन, बेरोजगारों को रोजगार की गारंटी, संस्थानों की स्थायी नियुक्ति आदि की मांग को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं। Under-19 बिहार ट्रॉफी में बिहार ने 186 रनों से दर्ज की जीत। Under-19 बिहार ट्रॉफी में बिहार और मेघालय के बीच मैच का आयोजन किया गया था, जिसमें Under-19 क्रिकेट टूर्नामेंट में बिहार ने मेघालय को 186 रनों से हरा दिया है। बिहार की इस जीत का श्रेय बिहार के सूरज राठौर और ए राज को जाता है, क्योंकि मैच के अंतिम पड़ाव में दोनों ही बेहतरीन गेंदबाजों ने सामने वाली की टीम को रन बनाने का मौका तक नहीं दिया और मात्र 65 रनों पर सबको क्लीन बोल्ड कर वापस पवेलियन में भेज दिया। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के केंद्रों की सूची अब कर सकते हैं डाउनलोड। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल ने बिहार में सिपाही भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा के केंद्रों की सूची अपने आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी है। इसके साथ ही परीक्षा केंद्र के नाम और जगह के अलावा छात्रों का रोल नंबर भी जारी किया गया है। तो जिस भी उम्मीदवार ने सिपाही बहाली परीक्षा के लिए आवेदन भरा है, वो जल्द से जल्द इसके आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।
बिहार कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पदों पर हो रही है बहाली। बिहार कृषि विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत होने की इच्छा रखने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना। बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने सहायक प्रोफेसर पद के लिए 24 पदों पर आवेदन की मांग की है, जिससे जुड़ी सारी जानकारी आप इस विश्वविद्यालय के आधिकारिक वेबसाइट से ले सकते हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स डिग्री का होना अनिवार्य होगा। ध्यान रहे, आवेदन भरने की आखिरी तारीख 24 फरवरी होगी। अररिया इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम बदलने का मुख्यमंत्री ने दिया आदेश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने जल जीवन हरियाली यात्रा के तहत अररिया दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने इस यात्रा के अंतर्गत जागरूकता सम्मेलन का आह्वान किया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अररिया इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम बदलने का ऐलान किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि यह फणीश्वर नाथ रेणु जी की धरती है, इसलिए उनकी इस धरती पर बने इस इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम अब बदलकर फणीश्वर नाथ रेणु अभियंत्रण महाविद्यालय रखा जाएगा। इसके आगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वहां उपस्थित सभा को अपने छात्र जीवन में फणीश्वर नाथ रेणु से मुलाकात के किस्से भी सुनाए। स्वरोजगार से आदिवासी महिलाओं को अवगत करवाती है मिनोती। बिहार के पश्चिम बंगाल की सीमा पर प्राणपुर प्रखंड के खोजाटी हाट गांव में रहने वाली आदिवासी महिलाओं के लिए उसी गांव की मिनोती चौड़े किसी मसीहा से कम नहीं है। आदिवासी महिलाओं के लिए जीवन में बदलाव लाने के लिए मिनोती उन्हें आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाती है, जिसे सीखकर अब वहां की रहने वाली ज्यादातर आदिवासी महिलाएं हस्तकला से जुड़कर आत्मनिर्भर हो रही हैं। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत सिकंदरपुर मन का होगा बदलाव। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले को स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बदला जा रहा है, जिसके लिए बिहार सरकार ने कुल मिलाकर 980 करोड़ की राशि आवंटित की है, जिसमें ट्रांसपोर्ट, सीवरेज, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, शुद्ध पेयजल, कचरा प्रबंधन समेत कई योजनाएं शामिल है। इतना ही नहीं, स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बिहार सरकार ने जल्द ही मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर मन को बदलने का भी निर्देश जारी किया है। कृषि विश्वविद्यालय में जल्द होगा गोल्फ कोर्ट की शुरुआत। बिहार के समस्तीपुर जिले के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा को ग्रीन विश्वविद्यालय बनाने की पहल में जल्द ही गोल्फ कोर्ट की सेवा का शुभारंभ किया जाएगा, जिसकी सूचना विश्वविद्यालय ने सभी अधिकारियों और पदाधिकारियों को दे दी है। इतना ही नहीं, कृषि विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिसर में वाहनों की आवाजाही पर भी रोक लगाया गया है। सुशील मोदी का लालू यादव पर एक और तंज। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी एक भी मौका नहीं छोड़ते लालू यादव पर तंज कसने का। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए उन्होंने हाल ही में लालू यादव पर तंज कसते हुए ट्वीट किया है और कहा है कि इस जन्म में राजद सुप्रीमो लालू यादव सुधरने वाले नहीं है। रिम्स में होने के बावजूद हर रोज नियमों का पालन नहीं करते हुए वह वहां पर सभा का आयोजन कर रहे हैं, लेकिन अब इस पर प्रशासन को सख्ती से पेश आना चाहिए। विधानसभा से पहले विधान परिषद की शुरू हुई तैयारी। इस चुनावी साल में विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां अपने सेमीफाइनल चुनाव के लिए तैयार हो गई हैं, और वो है विधान परिषद का चुनाव। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, विधान परिषद की 29 सीटें मई महीने में खाली होने वाली है, जिनमें से 17 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, जिनमें से 8 पर प्रत्यक्ष और 9 सीटों पर परोक्ष रूप से चुनाव होने वाले हैं। बाकी बची 12 सीटें राज्यपाल कोटे की हैं, जिसके लिए उन्हीं लोगों को मौका मिलेगा जो उसके पात्र होंगे। झारखंड के बाद अब दिल्ली में किस्मत आजमाएंगे नीतीश। झारखंड विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने के बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में अपनी राजनीतिक किस्मत आजमाने वाले हैं, जहां पर खबरों की माने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में दिल्ली में जदयू लगभग 35 सीटों पर अपनी दावेदारी दर्ज कर सकती है। इतना ही नहीं, दिल्ली में जदयू उन सीटों पर अपनी दावेदारी दर्ज करेगी जो कि पूर्वांचल क्षेत्र के हैं और साथ ही जहां बिहारी वोटर ज्यादा हैं। अमित शाह के बाद अब योगी आदित्यनाथ 14 को आ रहे हैं बिहार दौरे पर। सीएए को लेकर देश भर में लोगों में फैले असमंजस को भाजपा अच्छी तरीके से समझ रही है, और साथ ही यह भी समझ रही है कि यह मुद्दा तब तक शांत नहीं होगा जब तक लोग इस पूरे प्रक्रिया को समझ नहीं जाते। इसी को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्री अमित शाह 16 जनवरी को वैशाली में एक जनसभा को संबोधित करें, लोगों को जागरूक करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 14 जनवरी को गया जिले में सभा को संबोधित कर लोगों को सीएए के बारे में जागरूक करेंगे। पहले T20 को लेकर बड़ा खुलासा। सचिव ने कहा कि मैच रद्द होने से पहले ही खिलाड़ी जा चुके थे। भारत और श्रीलंका के बीच पिच गीली होने की वजह से रद्द हो चुके पहले T20 को लेकर असम क्रिकेट संघ के सचिव देवजीत सैकिया ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि मैच रद्द होने के एक घंटा पहले यानी 9 बजे ही अधिकांश खिलाड़ी मैदान छोड़कर जा चुके थे। उन्होंने कहा कि जब खिलाड़ी 9 बजे ही मैदान छोड़कर जा चुके थे तो ऑन फील्ड अंपायर्स और मैच रेफरी डेविड बून ने पिच के निरीक्षण का समय 9:30 क्यों रखा, यह उनके लिए रहस्य है और उन्हें इसके बारे में पता लगाना होगा। हालांकि हम आपको बता दें कि यह एक प्रोटोकॉल होता है ताकि दर्शक अनियंत्रित नहीं हो जाए, इसीलिए मैच को रद्द करने की घोषणा देर से की जाती है।
अजय देवगन ने की विराट कोहली की तारीफ। अपनी अपकमिंग फिल्म तानाजी को लेकर अजय देवगन और उनकी पत्नी काजोल इन दिनों जगह जगह जाकर अपनी फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं। इसी क्रम में अजय देवगन तानाजी को प्रमोट करने स्टार स्पोर्ट्स के शो में पहुंचे, जहां पर रिपोर्टर द्वारा क्रिकेट का तानाजी पूछे जाने पर अजय देवगन ने बड़े ही मजेदार जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर हम क्रिकेट की बात करें तो मैदान में असली तानाजी कोहली हैं। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। इस कड़ाके की ठंड में फिलहाल लोगों को राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे में आइए जानते हैं सराफा बाजार लोगों को राहत देने का मन बना भी रहा है या नहीं। सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 7 जनवरी को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 39,710 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 40,710 रुपए था। यानी कि सोना पिछले दिन के मुकाबले कल ज्यादा गर्म रहा। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 51,050 रुपए था, यानी कि साफ तौर पर चांदी के भाव में इजाफा हुआ है। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 80.52 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 73.54 रुपए प्रति लीटर था। आइए बढ़ते मौसम की खबरों की ओर। बिहार में लगातार ठंड का असर बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, अरवल, सारण, दरभंगा, गया, शेखपुरा, सीतामढ़ी, कटिहार, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा में हल्की धूप के साथ ही मौसम में ठंड का असर बढ़ेगा, तो कहीं कहीं बादलों के कारण बारिश होने की भी संभावनाएं हैं। तो वहीं औरंगाबाद, भोजपुर, छपरा, बक्सर, ईस्ट चंपारण, जमुई, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, जहानाबाद, शिवहर में मौसम में ठंड का असर बढ़ेगा, मगर कई जगहों पर बादल भी तो कोहरे का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। लालू यादव के हाथ में आई बिहार विधानसभा चुनाव की बागडोर। बिहार में इस चुनावी साल में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इसी क्रम में राजद पार्टी ने धीरे धीरे करके जमीनी समीकरण को भापने का काम शुरू कर दिया है, जिसके तहत राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को जनता का मूड भापने के लिए मैदान में उतारा है, जहां अब तेजस्वी यादव 16 जनवरी से बिहार के जिलों का दौरा कर लोगों के बीच जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 7वें चरण की यात्रा कल से होगी शुरू। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने जल जीवन हरियाली यात्रा का 6ठा चरण खत्म कर लिया है, जिसके पश्चात अब उनकी अगली यात्रा कल से यानी कि 9 जनवरी से शुरू होगी। आपको बता दें अपने 7वें चरण की इस यात्रा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले जमुई जाएंगे, फिर वहां से बांका होते हुए भागलपुर और मुंगेर पहुंचेंगे, जिसके दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अलग अलग योजनाओं का अवलोकन करेंगे, साथ ही विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके जिले में सबसे ज्यादा मशहूर व्यंजन कौन सा है? इसका जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।